इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए तैयारी करने वाले सभी देशभक्त युवाओं का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट 12, और इसमें देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको हल करने के लिए संकेत। ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थी ने तैयार कर लें। और इस चैनल के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द एंटोनिम ऑफ ड्वार्फ। ड्वार्फ का विपरीत अर्थक चुनना है। ड्वार्फ का अर्थ होता है बौना। देखिए, गोस्ट का अर्थ है भूत या छाया मात्र, विकिड का अर्थ होता है दुष्ट, बुरा या दुष्चरित्र, जायंट का अर्थ होता है भीमकाय, राक्षस या दानव, अपसेट का अर्थ है अशांत, अशांत करना, अस्त व्यस्त करना या अव्यवस्थित। तो ड्वार्फ का एंटोनिम यानी विपरीत अर्थक वो होगा सी, जायंट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, जायंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ सेलियंट। सेलियंट का समानार्थक हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। सेलिएंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या प्रमुख। नीचे ऑप्शंस देखते हैं। साइलेंट, साइलेंट का अर्थ है चुप, निशब्द। प्लेजेंट का अर्थ है सुहावना, आनंददायक या मनोहर। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। स्विफ्ट का अर्थ है तेज, शीघ्रगामी या विलंब रहित। तेज, शीघ्रगामी या विलंब रहित। क्वेश्चन नंबर 2, सेलिएंट का सिनोनिम वो होगा सी, चीफ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, चीफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। हमें वो वर्ड नीचे दिए गए ऑप्शन से चुनना है जिसकी स्पेलिंग ठीक है। देखिए, बलून, स्पॉन्टेनियस, मिसलेनियस, एंटरप्रेन्योर, वो शब्द जिसकी स्पेलिंग ठीक है वो है बी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इसकी स्पेलिंग ठीक है। बलून की गलत है, डबल एल आना चाहिए था। मिसलेनियस में एन के बाद ई भी आना चाहिए था, ओ से पहले। और एंटरप्रेन्योर में ई आर नहीं बल्कि ई एन टी आर ई होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी, स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, He quarreled with me - a trifle। वह एक छोटी सी या तुच्छ बात पर मुझसे झगड़ा। देखिए, quarrel over something, किसी बात पर झगड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो डी होना चाहिए, over। He quarreled with me over a trifle। Trifle का अर्थ है तुच्छ या महत्वहीन बात। He quarreled with me over a trifle। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है डी, ओवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिस इज - यूनिक फिल्म। नीचे ऑप्शन में से हमने देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। दिस इज ए यूनिक फिल्म, ए आना चाहिए। यहां आर्टिकल ए लगेगा क्योंकि यूनिक फिल्म ये जो नाउन फ्रेज है इसमें यूनिक जब बोल रहे हैं तो शुरू में य की साउंड आ रही है, य कंसोनेंट साउंड होती है और यहां ए लगेगा। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है और यहां हम देख रहे हैं कि नाउन फ्रेज जो है यूनिक फिल्म, इसको जब बोलते हैं यूनिक को तो य साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आना चाहिए। और एन का प्रयोग वावल साउंड से पहले होता है तो यहां दिस इज ए यूनिक फिल्म, ए लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, क्वेश्चन 5 का आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ट्रेन ब्रैकेट में अराइव बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी होगी या पहुंच चुकी होगी। देखिए बिफोर से शुरू होने वाली क्लॉज में हम सब्जेक्ट के बाद रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये सूचक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। बिफोर से शुरू होने वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं, ये सूचक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो हमें नीचे ऑप्शंस में से ए चुनना होगा, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शी आस्क्ड हर मदर फॉर डैश मनी टू बाय अ टिकट, उसने टिकट खरीदने के लिए अपनी माता से कुछ धन मांगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होना चाहिए डी, अ लिटिल। शी आस्क्ड हर मदर फॉर अ लिटिल मनी टू बाय अ टिकट। देखिए फ्यू और ए फ्यू का प्रयोग आमतौर से काउंटेबल नाउन से पहले होता है और लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग आमतौर से अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। मनी धन को गिन नहीं सकते और हमें अ लिटिल इसलिए लगाना है क्योंकि यहां नेगेटिव सेंस नहीं है, तो यहां अ लिटिल लगेगा। शी आस्क्ड हर मदर फॉर अ लिटिल मनी टू बाय अ टिकट, ए लिटिल। क्वेश्चन 7 का आंसर है डी, ए लिटिल। क्वेश्चन 8 देखते हैं। He behaves dash he were the owner of the factory, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि फैक्ट्री का मालिक हो, जैसे कि, यहां as if लगना चाहिए। क्वेश्चन 8 का आंसर है बी, as if। He behaves as if he were the owner of the factory, नीचे ऑप्शंस में से हमें ठीक ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन 8 का आंसर है बी, as if। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड टू मी व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, शी सेड टू मी व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। देखिए नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे नरेशन से संबंधित रूल्स को ध्यान में रखें और नीचे ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन चुने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए, शी आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। यहां सभी परिवर्तन जो किए जाने चाहिए थे वो किए गए हैं डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म बनाने के लिए। क्वेश्चन 9 का आंसर है ए, शी आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटन फॉर ब्रेकफास्ट दैट डे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हु शाउटेड द स्लोगन्स। विद्यार्थी वॉइस से संबंधित रूल्स को ध्यान में रखते हुए नीचे ऑप्शंस में से ठीक उत्तर चुनने की कोशिश करें और एक बार फिर से वीडियो को देख करके नरेशन और वॉइस से संबंधित क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। हु शाउटेड द स्लोगन्स, हु से शुरू सेंटेंस है, शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, बाय हुम वर द स्लोगन्स शाउटेड। हु को बाय हुम में बदला गया है, संकेत दे रहे हैं हम विद्यार्थियों को। शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लगाई गई है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है सी, बाय हुम वर द स्लोगन्स शाउटेड। क्वेश्चन 11 देखते हैं। ए सेंटेंस स्प्लिट इंटू 4 पार्ट्स हैज बीन गिवन, चूज द करेक्ट ऑर्डर विच प्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सेंटेंस। एक सेंटेंस के 4 हिस्से नीचे नजर आ रहे हैं, हमें उचित क्रम देना है उनको। क्वेश्चन नंबर 11, पी आर सो स्मॉल, क्यू आर यूजलेस फॉर फ्लाइंग, आर दैट दे एज द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वह है डी, एस पी आर क्यू। क्वेश्चन 11 का आंसर है डी, एस पी आर क्यू, यानी
द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर सो स्मॉल दैट दे आर यूजलेस फॉर फ्लाइंग. कुछ पक्षियों के पंख इतने छोटे होते हैं कि वे उड़ने के लिए उपयोगी नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी एस पी आर क्यू. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. स्पॉट द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस. एरर ढूंढना है किस पार्ट में है. माई फादर टेक्स रेस्ट डेली लेस्ट ही विल बी इल वंस अगेन. क्वेश्चन 12 का जो आंसर है वो है बी. लेस से शुरू होने वाली क्लॉज में हम यहां विल नहीं शुड का प्रयोग करेंगे. लेस से शुरू होने वाली क्लॉज में हम विल नहीं शुड का प्रयोग करेंगे. लेस्ट ही शुड बी आना चाहिए, विल की जगह शुड. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नीचे दिए गए वाक्य में अंडरलाइन वर्ड जो दिया गया है, जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, उसको पहचानना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. दिस इज माई बुक, माई. क्वेश्चन 13 का आंसर है डी एडजेक्टिव. माई एडजेक्टिव है. नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताने वाला या नाउन या प्रनाउन के बारे में कुछ बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है. तो यह माई एडजेक्टिव है, विशेषण है. क्वेश्चन 13 का आंसर है डी एडजेक्टिव. क्वेश्चन 14 देखते हैं. चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एबल. एबल जो एडजेक्टिव है इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म हमें चुनना है नीचे ऑप्शंस में से. क्वेश्चन 14 का आंसर है सी इनेबल. एबल समर्थ या योग्य है और इनेबल समर्थ बनाना, योग्य बनाना, तो ये वर्ब है. क्वेश्चन 14 का आंसर है सी इनेबल. क्वेश्चन 15 देखते हैं. चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड्स द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स. भूकंपों का अध्ययन, इसके लिए एक ठीक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमें चुनना है ऑप्शंस में से. साइज्मोलॉजी होता है भूकंप विज्ञान. थियोलॉजी होता है धर्म शास्त्र. मीटियोरोलॉजी इसका अर्थ है अंतरिक्ष विज्ञान. एस्ट्रोनॉमी इसका अर्थ है खगोल शास्त्र. तो क्वेश्चन 15 का आंसर है ई साइज्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन idiom फ्रेज. पार्ट एंड पार्सल इसका क्या अर्थ है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है सी एन एसेंशियल एलिमेंट, एक आवश्यक तत्व. क्वेश्चन 16 का आंसर है सी एन एसेंशियल एलिमेंट. तो ये कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे इस वीडियो में. आशा है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे. यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.